Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine, fit and energetic. I am your teacher, Meher of grade what? Prep, yes. And you know very well, this is your Urdu class. Hi. Okay, take out your rough register, hurry up, within a second, okay? Don't waste your time. Take out your rough register, stationery, full stationery. Yesterday I told you कि kindly pencil जो है तो वो time पे ही sharp कर लिया करें. Okay, hold your ruler and draw a margin line at the left side of your page. Okay, fix your ruler at the left side and draw a margin line with the help of ruler and pencil. Like this. Hurry up. Hamas, have you drawn the line? Raise your hand. Okay. Now start writing. ब्लॉक में हम यहां पे राइट करेंगे नंबर शुमार नमनम बराबर नंबर नंबर यस नंबर फातिमा हरी अब बच्चे नंबर एंड देन शुमार विथ नंबर राइट डाउन शुमार री शुमार नंबर शुमार फाइनली राइटिंग जो है तो वो सब जरा नीट करें ओके जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं मस्ट आप लोगों का रजिस्टर चेक करूंगी क्योंकि इसकी राइटिंग जो है तो वो इम्प्रूव हुई है डे बाय डे क्योंकि जब तक आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा आप लोगों की राइटिंग इसी तरह डर्टी रहेगी नंबर शुमार के बाद लाइन के इस तरफ राइट करेंगे उर्दू उर् उर्दू उर्दू ओके और अलिफ के ऊपर जो है तो छोटा सा पेश लगाए उर्दू हरिय बच्चे नंबर शुमार उर्दू एंड देन लीव वन फिंगर गैप फिंगर रख के जरा गैप दे और यहां हेयर राइट डाउन जमा जम मा जमा जमा आता अत आदि शक्ल एन के साथ ते ज्वाइंट करेंगे ओके ते मिलाएंगे तो ये आता अत बनेगा जमात जमात देन राइट डाउन का अका जमात का जिस थे मामा के साथ प्रैक्टिस की है तो देखिए वो मेरे साथ बिल्कुल जहां पे मैं स्टॉप कर रही हूँ वहां पे वो भी स्टॉप हो रहे हैं आप लोग मामा के साथ घर में प्रैक्टिस करेंगे अगर ना भी करें मामा के साथ तो खुद प्रैक्टिस किया करें अगेन का अकाम ओ काम जमात का काम ओके जमात का काम जमात का काम के बाद फिंगर रख के उंगली रख के स्पेस देंगे और यहां पे लिखेंगे साल 2021 साल 2021 एंड देन महीना 5 तारीख जो है तो वो है 18 ओके यहां तक राइट कर ले तो काइंडली रेज योर हैंड तो मुझे पता चलेगा कौन कौन जो है तो मेरे साथ चल रहा है Kindly, kindly, kindly. Hurry up, raise your hand. If you are done, then kindly raise your hand. Well done, Hu Rehmat. Next, Fatima Dilawar, have you done? Ayan, done?
इफ यू हैव डन दैट रेज योर हैंड ओके, कि मुझे पता तो चले ना. वेल डन, वाओ अयान तो इतनी प्यारी राइटिंग कर रहा है, रजिस्टर शो कर रहा है मुझे, वेल डन. ओके, खदीजा भी रजिस्टर शो कर रही है, वेल डन खदीजा. अदन, वाओ, वेल डन अदन. नौफिल, वेल डन. सब वाओ, सब 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 जो है तो मेरे साथ ही है. ओके, देन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन देखिए आप लोगों के रजिस्टर में. ये फर्स्ट लाइन जो है कल मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम जुमात उर्दू और नंबर शुमार वगैरह लिखेंगे तो उसके बाद जो है तो हमने ये फर्स्ट लाइन छोड़ लेनी है, छोड़नी है. इस तरह स्मॉल सा क्रॉस लगाए, आज लगाएंगे फिर नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे. ओके, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में हम राइटिंग नहीं करते. और इसके नीचे लिखेंगे अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के साथ लिखेंगे दाल आ. अलग से दाल लिख लिया, अब यहां पे लिखेंगे लाइन के ऊपर. ओके, लाइन से थोड़ा ऊपर दो चश्मे हैं, दो चश्मे हैं लिखे, यानी कि इसने दो चश्मे पहने हुए. सिंपल वे जो है तो वो आप लोग जीरो लगाएंगे और मिड में जो है तो क्रॉस करेंगे उस जीरो को. यस, अलिफ मद आ द ह, रीड विथ मी, अलिफ मद आ द ह, ह भारी करे आवाज ह. और दो चश्मे हे के साथ आप लोग छोटी है जो है तो वो मिला के लिखेंगे, लेकिन छोटी है की बेली इतनी बड़ी है कि वो लाइन के ऊपर आ नहीं सकती, तो वो क्या होता है बेली उसकी लटक जाती है लाइन से नीचे. स्माइल करे ना तो क्या हुआ, बेली जो है तो वो क्या हो गई, नीचे लटक गई. आप लोग जो है तो जरा एक्सरसाइज किया करे, अच्छा इसी तरह स्लिम स्मार्ट रहे. तो अलिफ मत आ दी धी आधी आधी. Yes, well done, Adan. आधी. अब आधी के साथ थोड़ा सा गैप दे, अच्छा इतना भी ना दे के थोड़ा सा गैप दे और लिखे अलिफ, अलिफ लिखे अलिफ, हर यप हर यप अलिफ. अलिफ के साथ इधर लिखेंगे आधी शक्ल शीन, शीन के तीन दंतान. ओके, दंतान तीन होने चाहिए, यानी कि थ्री टूथ, वन टू थ्री, एक दो तीन. आशा अश, इस शीन के साथ मिला के लिखेंगे का आ का, आदि शक्ल काफ के साथ अलिफ ज्वाइन करेंगे तो आशा अश का आ का, अश का. आदि अश का. आप लोग भी कहते होंगे मैडम महर की राइटिंग तो क्या है टफ है ना, मैडम महर का सब्जेक्ट धीरे धीरे टफ हो रहा है, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे इजी होगा. जब आप लोग सीख जाएंगे तो फिर आप लोग फटाफट मुझसे पहले पेज रेडी किया करेंगे. यस, वेल डन अदन, शो कर रही है रजिस्टर मुझे, अदन बार बार शो कर रही है इसलिए मैं उसका नाम बार बार ले रही हूँ. तो आदि अशका का के साथ लिखेंगे नाम. ओके, अशका के साथ अलग से लिखेंगे नाम, नाम थोड़े लाइन से नीचे आएगा क्योंकि उसकी बेली भी छोटी है की तरह, मोटी सी बेली है उसकी. आधी अशकाल. तो आज जो हम करेंगे हमारा टॉपिक जो है तो वो है आधी अशकाल. किस चीज की आधी अशकाल, मेरी आधी शक्ल या जीना की आधी शक्ल या हूर की आधी शक्ल या अयान की आधी शक्ल, किसकी आधी शक्ल, हाँ हरूफ़ तहज्जी की आधी शक्ल आज हम करेंगे. तो आधी अशकाल है जब बहुत सारी शक्लें जो है तो इकट्ठी होंगी तो उसको हम क्या करेंगे, वो जमा बन जाएगी. ये भी मैं बता दूं साथ साथ में, अच्छा जो बहुत ज्यादा शक्लें जो है तो वो इकट्ठी होंगी ना तो क्या बन जाएंगी, अशकाल. जिस तरह बहुत सारे हर्फ जमा होके क्या बने थे, हरूफ, इसी तरह बहुत सारे अब हरूफ जमा होंगे लेकिन उसकी आधी आधी शक्लें हम लिखेंगे. इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है, आप लोगों ने नर्सरी में सुनी होगी ना, कि सारे बस में जा रहे थे बहुत वो ऐसे टीचर की बात नहीं मान रहे थे और फिर क्या हुआ कि कोई गिर गया, उसका हैंड टूट गया था, किसी की लेग टूट गई थी, किसी का हेड जो है तो ब्रोक हो गया था. डन, ओके. अब जो है
लाइन छोड़ें, लीव दिस वन लाइन, ओके, आधी अशकाल के बाद वाली लाइन छोड़ दे, लाइन छोड़ दे आधी अशकाल के बाद। आप लिखेंगे यहां पे आधी शक्ल बे, बे की आधी शक्ल, फुल नहीं, अच्छा आधी शक्ल, ये बे भी तो बड़ा नोटी था ना, अलिफ तो इनका प्रॉक्टर था, वो तो बस खड़ा था, स्टैंड बाय था, इनको चुप करवा रहा था, लेकिन ये सारे क्या हो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, तो बे क्या हो गई, बे गिर गई थी और उसकी जो एक हैंड जो था तो वो टूट गया था, तो आधी शक्ल बे। अब आधी जो इसकी आधी शक्ल है ना, हैंड जो है उस पर क्या लगा हुआ है, बैंडेज लगा हुआ है, ओके, आधी शक्ल बे के साथ। अब देखे, लिसन टू मी, हम एक लाइन में क्या करेंगे, सिर्फ तीन तीन शक्लें लिखेंगे, ओके, वन लाइन में थ्री हर्फ लिखेंगे, तीन शक्लें लिखेंगे, तो आधी शक्ल बे के साथ बिल्कुल मिड में आए, पेज के मिड में, यहाँ पे पेज के मिड में आए, लाइन के मिड में, सॉरी लाइन के मिड में आए और यहाँ पे लिखे आधी शक्ल पे, और पे के नीचे नुक्ते तीन, बे पे आधी शक्ल पे, ओके okay? अब यहाँ पे हेयर जहां पे हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ किया, तो उसके साथ ही यहाँ पे लिखेंगे ते आधी शक्ल ते, ते के ऊपर नुक्ते दो, बे पे ते, हरी अब बचे बे पे ते। अब क्या करेंगे, एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे, ओके, रिमेम्बर एक एक लाइन क्या करेंगे हम छोड़ते जाएंगे। अब जो है तो ये वाली लाइन छोड़े, बी के बाद वाली लाइन छोड़ दे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, बस अब जो है तो हैबिट हो, हैबिचुअल होना चाहिए आप लोगों को, आदत डाले कि बी के बाद जो है तो ये लाइन छोड़ देनी है, और यहाँ बे के नीचे, बिल्कुल बे के नीचे लाइन छोड़ के यहाँ पे आए, बे पे फिंगर रखे, वो कम डाउन 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 हेयर राइट डाउन टी, आधी शक्ल टी, बी पी टी टी हो गए टी। अब टी पे फिंगर रखे, उंगली रखेंगे एंड कम डाउन डाउन डाउन, और इसके नीचे लिखेंगे, लाइन छोड़ के लिखेंगे सी, आधी शक्ल सी, सी के ऊपर नुक्ते तीन, बी पी टी टी सी। अब से के बाद जो है तो ते के नीचे लाइन छोड़ के ते पे फिंगर रखेंगे और कम डाउन डाउन हियर राइट डाउन जीम, आधी शक्ल जीम, जीम की आधी शक्ल लाइन के ऊपर होगी, अच्छा बी पी टी टी से जीम, डन हो गया। अब आएंगे टी के बाद लाइन छोड़ेंगे, लीव द लाइन एंड पुट द फिंगर ऑन टी, टी पे फिंगर रखेंगे और कम डाउन डाउन हियर राइट डाउन चे, आधी शक्ल चे, चे के अंदर नुक्ते तीन, आधी शक्ल चे लिख के सी के बाद लाइन छोड़ेंगे एंड हेयर डाउन, पुट योर फिंगर ऑन सी, सी पे फिंगर रखेंगे और नीचे नीचे आएंगे तो लिखेंगे हे, हल्का पढ़ना है, हाँ हलवा, डू यू लाइक हलवा, आई डोंट लाइक हलवा, हलुआ, तो क्या है जी चे हे, हल्का पढ़ेंगे, हा शेर, हाय हा शेर, डन मुश्तबा, हैव यू डन, ओके जी ची हे, यहां तक डन हो गए तो काइंडली रेज योर हैंड, ओके। अब जो है तो जी के बाद लाइन छोड़नी है
और पुट योर फिंगर, जीम पे फिंगर रखेंगे, डाउन डाउन आएंगे, ये वाली लाइन तो हमने छोड़ देनी है, यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे खे, आदि शक्ल खे, खरगोश, खे के ऊपर नुक्ता एक, खरगोश, इस तरह आवाज निकाले जरा गले से, ओके, खरगोश, डन। ओके, अब क्या करेंगे आप लोगों ने लाइन छोड़नी है, ओके, लाइन छोड़ के, ओके, फे के बाद लाइन छोड़नी है और छे के नीचे जिस तरह ये लाइन छोड़ दी मैंने, अब यहां लिखेंगे सीन, आदि शक्ल सीन, सीन के तीन दंदान होने चाहिए, त्रिटुथ, ओके। अब आप लोग कहेंगे कि दाल डाल दाल रे रे जे जी, ये कहा मैडम खा गई है, तो ये तो बड़े अच्छे बच्चे थे, ये सीट पे बैठे हुए थे, ये जो इनके हाथ पांव टूटे थे ना, ये सब हमने इकट्ठे किए हुए हैं, इनको हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं अब हम, ओके। सीन के बाद हे के नीचे लाइन छोड़नी है और पुट योर फिंगर ऑन हे एंड कम हियर, राइट डाउन शीन, शीन के भी तीन दंदान होने चाहिए, एक दो तीन, वन टू थ्री, शीन के ऊपर नुक्ते तीन, मुसा यू हैव डन, देन काइंडली रेज योर हैंड, ओके, हाँ शेर। अब चाहे तो हे के बाद लाइन छोड़ के और नीचे लिखेंगे खे के बाद नीचे, ओके, खे के नीचे शीन के बाद लिखेंगे आदि शक्ल स्वाद, आदि शक्ल स्वाद, ओके। बच्चे आप लोगों ने आज फिनिशिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि हमारा टॉपिक जो है तो वो रिमेनिंग है, कल हम फिर हरूफे आदि अशकाल को कंटिन्यू करेंगे एंड फिनिश करेंगे, ओके, कोशिश करेंगे कि फिनिश करें, टिल देन प्रैक्टिस मस्ट करनी है, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।